गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब लोग? और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अल्टीमेटली हम आप इस वीक में फिर से आ गए हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसका नाम है यूरेनियम एनरिचमेंट। राइट, बिफोर आई गो अहेड यू नीड टू लेट मी नो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल। क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूँ? ये अगर हूँ तो ही मैं आगे जा पाऊंगा, अदरवाइज अगर नहीं हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे। जल्दी बताइए, गुड आफ्टरनून प्रीति एंड चलेजा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी? आई गेस आई एम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी। देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी गाइज। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी इज दैट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। दीज डेली लाइव क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेन्स प्रिपरेशन। गाइज वी आर प्रोवाइडिंग यू स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। दीज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर मेनली अवेलेबल ऑन द प्लस एंड आइकॉनिक। सो अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना है तो आपको प्लस और आइकॉनिक पे जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, और वो कोड है SKUS। फाइन, देन मैं एवरीडे 8 AM इन द मॉर्निंग एंड एवरीडे 4 PM इन द इवनिंग लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए। तो और ये दोनों लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट प्रीलिम्स 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रुशियल है, तो आपको ये दोनों मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, तो आपको unlimited access मिल जाएगा हर एक चीज का। Then these are India's top educators who will help you to crack UPSC CSC examination. I am already one of them guys. Thank you very much for your love and support and keep doing that. गाइज हमने ये यूपीएससी सीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर में अगर आप 28 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 ईयर का अगर आप लेते हो तो वो एक्सटेंड होगा 22 के प्रीलिम्स तक, और अगर आप 2 ईयर का लेते हो तो वो एक्सटेंड होगा 23 के प्रीलिम्स तक। अच्छा, ये दोनों सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको कोड यूज करना है SKUS, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये हो गया मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में। जब आप प्लस पे जाते हो गाइज, आपको लाइव क्लास मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और जब आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको प्लस के 4 बेनिफिट, उसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर मिलता है। मतलब 5 + 4 ऐसे टोटल 9 बेनिफिट्स आपको प्लस आइकॉनिक पे जाने के बाद अनअकैडमी देती है। प्लस और आइकॉनिक पे ये SKUS कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ये कोड दिला देगा। देन ये ऑप्शनल के अलग अलग टॉपिक्स है, देख लीजिए आप। ये जो टॉपिक्स है ऑप्शनल के, या अलग ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन है, ये सब SKUS कोड के साथ आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। देन जब आप GS ऐप पे जाओगे, आइकॉनिक लोगे, ऑप्शनल का प्लस लोगे, ये दोनों अगर आप साथ लेते हो तो हम इसको कहते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। ये जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है आप 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ के लिए एंजॉय कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, एंड दैट कोड इज SKUS। या फिर GS का प्लस और ऑप्शनल का प्लस, ये दोनों भी, इसका भी एक कॉम्बो आप ले सकते हो 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ के लिए, और उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, एंड दैट कोड इज SKUS, जो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अवेलेबल करके देगा। हमने ये द लास्ट माइल नाम का इनिशिएटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लॉन्च किया है गाइज। इस इनिशिएटिव जो है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि फ्री है ये सारे एलिजिबल एस्पिरेंट के लिए। मतलब जिन जिन बच्चों ने मेंस क्रैक की है उनके लिए ये फ्री में हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है। ये हमारा इंटरव्यू पैनल और मेंटर्स है जो आपको हेल्प करते हैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने में। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप यू विल बी ट्रेन्ड बाय द एक्सपर्ट। ये पैनलाइसिस होगा, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा, इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट होगा, फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट है, और प्रीवियस ईयर की ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिल जाएगी। ये अलग अलग टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे चल रही है, उसी तरह मेरी भी टेस्ट चल रही है अनअकैडमी पे, मॉर्निंग में 8 AM को और इवनिंग में 4 PM को। ये दो तरह की मॉक टेस्ट्स मैं रेगुलरली अनअकैडमी पे कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? प्रीति कुमारी कह रही है कि वीडियो बीच में कट हो रहा है, इज इट गाइज, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देन गाइज 7 अप्रैल से हमने ये अलग अलग बैच कोर्सेस प्लस पे और आइकॉनिक पे लॉन्च किए हैं। इन बैच कोर्सेज को अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको प्लस या आइकॉनिक लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा SKUS।
यूएस, ये कोड यूज करके आपको इन बैच कोर्सेस में जाना पड़ेगा। बैच कोर्सेस 22 के लिए है, बैच कोर्सेस 23 के लिए है, बैच कोर्सेस बायलिंगुअल है, बैच कोर्सेस इंग्लिश है, बैच कोर्सेस आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ओके, ये 3 मंथ के बैच कोर्सेस है। ये 3500 एमसीक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स थ्रू क्रैक, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम थ्रू 3500 एमसीक्यू, ये भी हमने लॉन्च किया है। और ये एनसीईआरटी के बैच कोर्सेस है, 2 बायलिंगुअल और इंग्लिश में। ऑल इज ओके प्रिया, प्रीति कुमारी, मे बी देयर इज इशू विथ योर इंटरनेट। ओके, ये अनअकैडमी कॉम्बैट, नेक्स्ट अनअकैडमी कॉम्बैट 18 अप्रैल को होने वाला है, और 18 अप्रैल के 11 AM के अनअकैडमी कॉम्बैट से पहले 18th अप्रैल को 8 AM to 10 AM 2 आवर का मेरा फुल लेंथ फुल सिलेबस फ्री 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी होने वाला है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, मैं देख रहा हूं प्रीति, सब ठीक है। यस सर, आपके पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है, मतलब नॉइज, आप कह रहे हो नॉइज आ रहा है। गाइज एक बार बताइए, कुछ दिक्कत है क्या वीडियो में? वीडियो में कुछ दिक्कत है? सीधा हो जाओ, मतलब क्यों? आपको क्या वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, अब समझा आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहती थी प्रीति, गॉट इट नाउ। ओके, तो ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है, इस अनअकैडमी कॉम्बैट को अगर आपको 11 AM को है, तो ये 18 अप्रैल को है, और उससे पहले मेरी मॉक टेस्ट होगी। तो अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए आपको कोड चाहिए, और वो कोड है एसके यूएस। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। सो कल हमने देखा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, हम देख रहे थे, हम आपको बता देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। बहुत प्यारे तरीके से हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंप्लीट की है गाइस, नियरली सारे कंसेप्चुअल पार्ट हमने कंप्लीट किया है। देख लीजिए यहाँ पे, ये अलग अलग एक्टिनॉइड्स हमने देखे थे, उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे थे, प्रोटियम में सिर्फ 1 प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। उसके बाद हमने यूरेनियम के आइसोटोप देखे थे, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 234 है, ये 3 नेचुरली हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ यूरेनियम 233 नाम का हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल आइसोटोप है, हमें यूरेनियम का U238, U235 और U233, ये 3 ही आइसोटोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने जरूरी है। नमस्ते मानस। उसके बाद हमने थोरियम के आइसोटोप देखे थे, देख लीजिए थोरियम 232, नेचर में जो भी थोरियम मिलता है वो 100% थोरियम 232 मिलता है। तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप, थोरियम का 1 आइसोटोप और प्लूटोनियम का 1, इतने मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। तो U238 इंपॉर्टेंट है हमारे, हमें याद रखना है, U235 इंपॉर्टेंट है याद रखना है, U233 इंपॉर्टेंट है याद रखना है, थोरियम 232 इंपॉर्टेंट है याद रखना है और प्लूटोनियम 239 इंपॉर्टेंट है याद रखना है। इसमें से मैंने आपको बताया था कि U238 और थोरियम 232 ये दोनों फर्टाइल आइसोटोप है, राइट? याद है ना आप लोगों को, इसको हमने कहा था फर्टाइल आइसोटोप। और यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239, ये 3 जो है, इन तीनों को हमने नाम दिया था फिसाइल आइसोटोप। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से फिसाइल आइसोटोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। फिर हमने रेडियो एक्टिविटी का मतलब बताया था, क्या आप बता सकते हो रेडियो एक्टिविटी कौन से 3 फॉर्म्स में रिलीज होती है, या रेडियो एक्टिविटी में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन से 3 फॉर्म्स में रिलीज होती है, क्या आप ये बता सकते हो? गाइज हमारा करंट अफेयर बहुत स्मूथली चल रहा है, ये स्टैटिक वाला पार्ट भी मैं आराम से अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खत्म होने के बाद, क्योंकि आईटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से तो हम कर ही रहे हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा, वेरी गुड वेरी गुड। रेडियो एक्टिविटी 3 फॉर्म में रिलीज होती है, एक होता है अल्फा पार्टिकल, दूसरे होते हैं बीटा पार्टिकल और तीसरे होते हैं गामा रेडिएशंस। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हाफ लाइफ क्या होती है, देन आपको बताया गया था कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग हम फॉसिल का एज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, यूरेनियम डेटिंग हम रॉक का एज फाइंड आउट करने के लिए, या
अर्थ का एज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने अल्फा रेडियो एक्टिविटी में देखा था, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू द न्यूक्लियस ऑफ हेलियम, मतलब अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन अगर रिलीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, है ना, क्लियर। सो अल्फा रेडियो एक्टिविटी आपने देखा। बीटा रेडियो एक्टिविटी में आपने देखा था कि दो तरीके की बीटा रेडियो एक्टिविटी होती है, एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके, है कि नहीं, और दूसरा होता है निगेटिव बीटा डीके। क्या आप मुझे बता सकते हो पॉजिटिव बीटा डीके में एटॉम की नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? देखिए पॉजिटिव बीटा डीके में पॉजिटिव पॉजिट्रॉन इमिट होता है। क्या इमिट होता है पॉजिटिव बीटा डीके में? पॉजिट्रॉन इमिट होता है। तो ये जो पॉजिट्रॉन है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। दूसरा होता है निगेटिव बीटा डीके। अब ये जो निगेटिव बीटा डीके है, इस निगेटिव बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ओके लक्ष्मी प्रिया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो निगेटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एक से, और पॉजिटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है एक से। ये हमने आपको बताया था, बहुत प्यारे तरीके से हमने ये समझा हुआ है और आप लोग आंसर कर रहे हो, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बीटा रेडियो एक्टिविटी, निगेटिव बीटा डीके जिसमें एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, देख लीजिए एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, और जब प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। और जब आप पॉजिटिव बीटा डीके में जाते हो, पॉजिटिव बीटा डीके में एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, उल्टा हो गया, मतलब प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज हुआ और एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज हो गया। निगेटिव बीटा डीके में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज होता है, पॉजिटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज होता है, ये मैंने आपको बताया था। देन गामा रेडिएशन आप देख लीजिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन में मैंने आपको बताया था कि आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्स रेज है, गामा रेज है, ये तीन आयोनाइजिंग है, वाइल जो आपकी विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, इनको हमने नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा था। और ये एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यूवी रेडिएशन किस तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करती है ये भी बताया था, बिकॉज यूवी रेडिएशन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिर मैंने आपको बताया था फिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई लार्ज न्यूक्लियस उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने के बाद ब्रेक हो जाता है तो हम उसे फिशन कहते हैं। जब कोई स्मॉल न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन। हाँ बिल्कुल हो जाएगा साई साई, हाँ प्रिया सभिया बिल्कुल, वो भी पढ़ाएंगे। फ्यूजन आपको मैंने बता दिया था। फिर फर्टाइल आइसोटोप का मतलब बताया था, जो आइसोटोप न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके खुद को किसी और आइसोटोप में कन्वर्ट करता है उसे हमने फर्टाइल आइसोटोप कहा था। जैसे यूरेनियम 238 फर्टाइल आइसोटोप है क्योंकि यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके खुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्लूटोनियम 239 में, और ये प्लूटोनियम 239 फर्टाइल आइसोटोप है। यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होते वक्त दो निगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट करने पड़ते हैं, मतलब यूरेनियम 238 का एटॉमिक नंबर दो नंबर से इंक्रीज होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर है 94, इसीलिए हमें यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 मिला। प्लूटोनियम 239 फिसाइल आइसोटोप है और यूरेनियम 238 फर्टाइल आइसोटोप है। ये कन्वर्जन होने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 to 3 days, हम कहेंगे 3 days में यूरेनियम 238 से हमें प्लूटोनियम 239 मिला। उसके बाद थोरियम 232 भी फर्टाइल आइसोटोप है, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके खुद को कन्वर्ट करता है यूरेनियम 238 233 में, जो कि फिसाइल आइसोटोप है, और इस प्रोसेस को टाइम लग जाता है 27 days का। ये भी हमने देखा था, इसे कहते हैं फर्टाइल आइसोटोप। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? ऐसा न्यूट्रॉन और अ न्यूट्रॉन विद हुज स्पीड इज, मतलब इतनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है जिसकी वजह से वो जब किसी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड होता है तो उस न्यूक्लियस का फिशन हो जाता है। मतलब किसी न्यूक्लियस का अगर हमें ब्रेकडाउन करना है, फिशन करना है, तो हमें थर्मल न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। उसके बाद फिसाइल आइसोटोप का मतलब बताया था, तीन फिसाइल आइसोटोप है, यूरेनियम 235,
प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233, ये तीनों आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये फिसाइल आइसोटोप हो गए। उसके बाद हमने थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बताया था कि आप बता सकते हो इंडिया ने, इंडिया का थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने कंसेप्चुअलाइज किया था या किसे हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, किसे हम इंडिया का फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, हम उनका नाम है डॉक्टर होमी भाभा। और डॉक्टर होमी भाभा ने थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया प्लान किया था। अभी भाया कृष्णा, हर एक पार्टिकल के एंटी मैटर एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें उनके एग्जिस्टेंस के प्रूफ मिलने नहीं है, धीरे धीरे वो भी मिलेंगे। डॉक्टर होमी भाभा बिल्कुल, मुझे बताइए व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ इंडिया थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ इंडियाज, एम ऑफ इंडियाज थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोई बता सकता है इंडिया के थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का अल्टीमेट एम क्या है? उसका अल्टीमेट एम है टू यूज थोरियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर, थोरियम एज न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर। तो मुझे बताइए हम थोरियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर अभी क्यों यूज नहीं कर सकते, व्हाई वी कैन नॉट यूज थोरियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर, व्हाई वी कैन नॉट यूज थोरियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर, why we cannot use thorium as a nuclear fuel reactor today, आज हम क्यों नहीं यूज कर सकते थोरियम को एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर, कोई बता पाएगा मुझे? क्योंकि हमें नेचुरली जो हमें थोरियम मिलता है वो है थोरियम 232, और ये 100% थोरियम 232 ही मिलता है और ये फर्टाइल आइसोटोप है। तो अगर हमें थोरियम यूज करना है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? अगर हमें थोरियम यूज करना है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर तो व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कि हमें क्या चाहिए अगर हमें थोरियम यूज करना है एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल, एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल अगर हमें थोरियम यूज करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें फिसाइल आइसोटोप चाहिए। वेरी गुड श्वेता प्रिया सभी, वेरी गुड वेरी गुड, हमें फिसाइल आइसोटोप चाहिए। तो पहले जो दो स्टेजेस है, स्टेज वन उसमें हमें प्लूटोनियम 239 नाम का फिसाइल आइसोटोप मिला, स्टेज टू से हमें यूरेनियम 233 नाम का फिसाइल आइसोटोप मिला, हमने यही यूज किया स्टेज थ्री में, जिससे हमें स्टेज थ्री में थोरियम 232 यूज करना पॉसिबल हो गया। देखिए आप लोगों ने ये जो आंसर दिए ना, इससे हमें पता चल जाता है कि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। अब आपको जिंदगी में कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेसिक पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए हम फर्स्ट स्टेज में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं और कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, तो फर्स्ट स्टेज में हम कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं और कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, चलिए फर्स्ट स्टेज में बताइए, फर्स्ट स्टेज में हम कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं और कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं। तो पहली स्टेज में हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR, और फ्यूल यूज कर रहे हैं नेचुरल यूरेनियम। फर्स्ट स्टेज में हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं PHWR और न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं नेचुरल यूरेनियम। वेरी गुड वेरी गुड, गुड आफ्टरनून गौरव तिवारी। अब मुझे बताइए सेकेंड स्टेज में हम कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं और कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर हम सेकेंड स्टेज में यूज कर रहे हैं। तो हम सेकेंड स्टेज में न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या FBR, इसी को हमने यहाँ फास्ट ब्रीडर थर्मल रिएक्टर या फास्ट ब्रीडर थोरियम रिएक्टर भी आप इसे कह सकते हो। बेसिकली हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज कर रहे हैं और इसमें हम एज अ फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं। और ये प्लूटोनियम हमें कहां से मिला है बताओ, सेकेंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम जो प्लूटोनियम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं तो वो प्लूटोनियम हमें कहां से मिला है, वो हमें मिला है फर्स्ट स्टेज में एज अ वेस्ट,
फर्स्ट स्टेज का जो वेस्ट था उसमें से हमें प्लूटोनियम 239 मिला, जो हम सेकेंड स्टेज में एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। फिर हमें सेकेंड स्टेज में एज अ वेस्ट यूरेनियम 233 मिला, क्योंकि सेकेंड स्टेज में हमने प्लूटोनियम के साथ क्या ऐड किया था, थोरियम 232 ऐड किया था। तो इसी थोरियम 232 का कन्वर्जन हुआ यूरेनियम 233 में और हमें यूरेनियम 233 मिला। अब थर्ड स्टेज में हम कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं और कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, थर्ड स्टेज में हम कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर रहे हैं और हम कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं, जरा बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर और कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है AHWR, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों A for advanced, H for heavy, W for water and R for reactor. So advanced heavy water reactor, इसी को हम कहते हैं thermal breeder reactor TBR और thorium fueled breeder reactor भी कहते हैं हम इसको। इस AHWR का दूसरा नाम क्या है बच्चों, thermal breeder reactor या thorium breeder रिएक्टर, ये भी इसका दूसरा नाम है। तो ये तीन स्टेजेस हो गई। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इंडिया ने अब तक कितनी स्टेजेस न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंप्लीट की है, हमने कितनी स्टेजेस न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंप्लीट की है, ये बता सकते हो क्या आप लोग? ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था, आप बता सकते हो? यस गाइस, चलिए बताइए, देखते ये मैं पर्पसफुली पूछ रहा हूं आपको, जस्ट एक हमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है लक्ष्मी प्रिया, हमने सिर्फ हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है। अभी हम कौन से ईयर में है, 2021 इस ईयर में है। ये प्रोग्राम हमने लॉन्च कब किया था, 1950 में। मैं आपको शो करता हूं कि किस तरह से हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है। उसके लिए हमें गूगल पे जाना पड़ेगा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया ये सर्च करने के बाद आपको ये मिलेगा विकिपीडिया। विकिपीडिया ओपन करने के बाद जो है, विकिपीडिया ओपन करने के बाद आपको मैं सीधे सीधे लेकर चलूंगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इंडिया के है ना, वहां पे ये देख लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा इसे एनलार्ज करता हूं, आपको फोकस कहाँ रखना है, आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे किस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर, देख लो कैगा में किस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है, PHWR। काकरापार में किस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है, PHWR। कुडानकुलम छोड़ो दो मिनट के लिए, उसे साइड में रखते हैं। मद्रास में कौन से टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है, PHWR। नरोरा में कौन से टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है, PHWR। उसके बाद राजस्थान में कौन से टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है, PHWR। तारापुर में कौन से टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है, PHWR। सिर्फ यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तारापुर में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भी है और राजस्थान में ये कंडू लिखा हुआ है ना, CANDU, ये कैनेडियन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर ही है, मतलब ये भी PHWR ही है, लेकिन ये कनाडा के डिजाइन के, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर दिया गया है कैनेडियन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। और ये जो कुडानकुलम वाले VVER लिखे है ना, कुडानकुलम वाला VVER, वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर WWER और VVER, VVER ये रशियन शॉर्ट फॉर्म है। तो इट इज अ सीरीज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये भी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही है, ये भी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है सारे PHWR है। और मुझे बताइए फर्स्ट स्टेज में किस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर हमने डिजाइन किए हैं, फर्स्ट स्टेज में हमने किस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किए, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही, PHWR ही हमने डिजाइन किए, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर सिनाती, PHWR का लॉन्ग फॉर्म है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। ओके, अब थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे, देख लीजिए ये मद्रास दिख रहा है कल्पक्कम, यहाँ पे ऑपरेटर भाविनी है, ये तमिलनाडु में, और यहाँ पे देखिए हमें
पहला एक नया रिएक्टर मिल रहा है जो 2020 में क्या होने वाला था, इंस्टॉल होने वाला था, नहीं हो पाया है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। इसका नाम पढ़ो जरा, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, PFBR का नाम क्या है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब मुझे बताओ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम कौन से स्टेज में यूज कर रहे हैं? हमारा जो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सी स्टेज में यूज कर रहे हैं? तो ऑब्वियस है हम वो यूज कर रहे हैं सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज हमने जस्ट स्टार्ट की है, उसका बस एक प्रोटोटाइप हमने डिजाइन किया है जो है मद्रास में कल्पक्कम में, PFBR प्रेशराइज्ड सॉरी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, समझ गए? तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बच्चों, वो थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन वो चल बहुत स्लोली रहा है। मतलब आपको फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के लिए क्लोज टू 70 years लगे, दैट इज टू स्लो। अब ये इतना स्लो क्यों जा रहे हैं हम इतना स्लो जा रहे हैं बिकॉज हमें किसी से कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है। हमें किसी से कोई हेल्प मिल रही है? नहीं मिल रही है, राइट? मैंने सही कहा? सही कहा कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको एटॉमिक मिनरल्स के बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है, ये मैं रिवाइज नहीं करूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है, उसके बाद है कजाकिस्तान और उसके बाद रशिया एंड कैनेडा, ये मेजर कंट्रीज है जो यूरेनियम प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें थोरियम की, तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा थोरियम की रिजर्व्स है। फिर हमने देखा था कि ऑपरेशनल माइंस इंडिया में कहाँ है, तो वो माइंस आपको ऑपरेशनल थोरियम की सॉरी यूरेनियम की ऑपरेशनल माइन जाडूगुड़ा, भतीन, नरवा पहाड़ एंड तुरमाधी मिलेंगी। ये सारी की सारी आपको यही पे मिलेंगी, कहां पे? झारखंड में। बाकी ये अलग अलग जगह पे आपको पता है यूरेनियम रिजर्व्स इंडिया में कहां कहां पे, मेघालय से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर आपको पता है थोरियम के रिजर्व्स इंडिया में कहां मिलते हैं, मैंने ये सातों नाम बताए थे आपको। करंट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इंडिया में कहां पे है, मैं न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताता हूं, आप स्टेट का नाम बताओगे, ओके? फटाफट बताइए नरोरा कहां पे है, देन बताइए रावतभाटा कहां पे है, देन बताइए काकरापार कहां पे है। उसमें अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में ही है, उन्हें उसे हमें कंफर्म करना पड़ता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा वगैरह, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। देन तारापुर कहां पे है, देन कैगा कहां पे है, देन कल्पक्कम कहां पे है, और लास्ट में कुडानकुलम कहां पे है। ये सात न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स है जो आपको 6 states में मिलती है। 6 states में ये नरोरा यूपी में मिलेगा, करावत भाटा राजस्थान में मिलेगा, काकरापार गुजरात में मिलेगा, तारापुर महाराष्ट्र में मिलेगा, कैगा कर्नाटका में मिलेगा, और ये दोनों आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। बिल्कुल आपको याद हो गया, क्या बात है कीर्तना वर्णे, क्या बात है। फिर थोरियम के बारे में आपको मैंने बताया था, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, पर दुनिया में पृथ्वी की क्रस्ट अगर आप देखोगे उसमें कंपेयर करोगे तो यूरेनियम का परसेंटेज कम है और थोरियम का परसेंटेज ज्यादा है, और नेचुरली अकरिंग थोरियम सिर्फ उसमें एक ही आइसोटोप हमें मिलता है और उस आइसोटोप का नाम है थोरियम 232। ये अकेला आइसोटोप हमें थोरियम का मिलता है, ठीक है, ये मोनोसाइट सैंड्स में मिलता है हमें। तो थोरियम के एडवांटेजेस मैंने आपको बताए थे, पहले तो इसका प्रोलिफरेशन इजी नहीं है क्योंकि इसमें फिसाइल आइसोटोप ही नहीं है, तो आप इजीली इसको न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा, इससे वेस्ट जनरेट नहीं होता क्योंकि थोरियम कन्वर्ट होगा यूरेनियम 233 में और वो पूरा का पूरा यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल हम यूज करेंगे, तो ये थोरियम का दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है थोरियम का, ये चीपर है, चीपर बिकॉज एक बार अगर आपने थोरियम ब्रीडर रिएक्टर डेवलप कर दिए ना तो कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि इसका बर्न अप रेशियो क्या है, हायर है यूरेनियम के कंपैरिजन में। फोर्थ बेनिफिट हमने देखा था कि आपको थोरियम की आइसोटोप सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोरियम जो नेचुरली अकरिंग थोरियम है उसमें एक ही आइसोटोप मिलता है, वो है थोरियम 232, तो आपको उसे आइसोटोप सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो आपको बताया था वो ये था, थोरियम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं कर सकता, इसीलिए न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने की थोरियम के केस में पॉसिबिलिटी
कम है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए, इज देयर एनी कंट्री और अ न्यूक्लियर रिएक्टर करंटली जहां पे हम थोरियम यूज कर रहे हैं एज अ न्यूक्लियर फ्यूल? तो आंसर आएगा नो। आज की डेट में कोई भी कंट्री थोरियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज नहीं कर रही है, कोई भी कंट्री के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है जिसमें आप थोरियम यूज कर सकते हो। सिर्फ अकेला इंडिया एक कंट्री है जो इस पे काम कर रहा है। अभी भी हमने भी अभी तक कोई न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप नहीं किया है जिसमें हम थोरियम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस में हमने आपको थोरियम के बारे में बता दिए। थोरियम का सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया के केस में लिटन घोष ये है कि इंडिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम है, दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम के रिजर्व इंडिया के पास है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यूरेनियम एनरिचमेंट। इसे आपको बहुत केयरफुली सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्लाइड लेते ताकि हमें थोड़ा सा समझने में इजी हो जाए, है ना। एक एम्प्टी स्लाइड ले लेते हैं तो इससे हमें समझने में इजी हो जाए। आपको बहुत केयरफुली समझना और सुनना है इसको। यूरेनियम एनरिचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग उसके आंसर दोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मुझे बताइए नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में हमें कौन कौन से आइसोटोप मिलते हैं। नेचुरली अकरिंग जो यूरेनियम है उसमें हमें कौन कौन से आइसोटोप मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, जो नेचुरली अकरिंग थोरियम है, ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग थोरियम है उसमें हमें कौन कौन से आइसोटोप मिलते हैं। ये दो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग यूरेनियम एंड नेचुरली अकरिंग थोरियम, इन दोनों के आपको आंसर देने हैं। तो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में हमें मिलता है यूरेनियम 238 जो कि फर्टाइल आइसोटोप है, और ये कितना मिलता है हमें, ये मिलता है 99.30%। ओके, और दूसरा हमें मिलता है यूरेनियम 235, ये फिसाइल आइसोटोप है, और ये हमें मिलता है 0.70%। और जब आप थोरियम में जाओगे तो हमें पूरा का पूरा 100% थोरियम 232 मिलता है जो कि फर्टाइल आइसोटोप है, जो कि फर्टाइल आइसोटोप है 100%। अब मुझे बताइए, जब आप कोई भी न्यूक्लियर, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, वेदर इट इज यूरेनियम और थोरियम, जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हो तो आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, आपको चाहिए थर्मल न्यूट्रॉन। जब आप कोई भी, आप यूरेनियम यूज करो या थोरियम, उसे अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करना है तो उसने चेन रिएक्शन क्या करनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। मतलब एक बार रिएक्शन स्टार्ट होगी तो अपने आप वो एक के बाद एक वो फिशन होना चाहिए। और चेन रिएक्शन अगर हमें सस्टेन करनी है, अगर हमें चेन रिएक्शन सस्टेन करनी है तो उसके लिए आपको थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए, और ये थर्मल न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर में अपने आप बनने चाहिए। हम हर बार बाहर से थर्मल न्यूट्रॉन दे नहीं सकते। यस ऐश्वर्या जोशी, कल ही पढ़ा देता हूं, अगर आप चाहते हो तो एक स्पेशल क्लास रख देते हैं पार्टिकल फिजिक्स पे, अगर आप चाहो, बहुत बच्चों ने पूछा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हो तो कल मैं स्पेशल एक यूट्यूब पे सेशन रख देता हूं पार्टिकल फिजिक्स के बारे में, एवरीथिंग अबाउट बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, आपको थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए। अब ये थर्मल न्यूट्रॉन आपको किससे मिलता है, फिसाइल आइसोटोप से। जब आप यूरेनियम 235 के एक न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करोगे तो इसका हो जाता है फिशन, और इसका फिशन होकर हमें 3 फ्री न्यूट्रॉन मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं 3 फ्री न्यूट्रॉन मिलते हैं कि नहीं। तो मुझे बताइए, नेचुरल यूरेनियम यूज करने से चेन रिएक्शन सस्टेन होगी या नेचुरल थोरियम यूज करने से चेन रिएक्शन सस्टेन होगी, बताओ। नेचुरल यूरेनियम यूज करने से चेन रिएक्शन सस्टेन होगी या नेचुरल थोरियम यूज करने से चेन रिएक्शन सस्टेन होगी? तो नेचुरल यूरेनियम यूज करने से चेन रिएक्शन सस्टेन होगी, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में फिसाइल आइसोटोप है और उस फिसाइल आइसोटोप से हमें 3 फ्री न्यूट्रॉन मिलते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए।
जिनको हम यूज कर सकते हैं चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए। नेचुरल थोरियम में फिसाइल आइसोटोप ही नहीं है, और फिसाइल आइसोटोप नहीं है तो फ्री न्यूट्रॉन नहीं मिलेंगे, फ्री न्यूट्रॉन नहीं मिलेंगे तो ये थोरियम जो भी आप बाहर से न्यूट्रॉन बम्बार्ड करोगे उनको एब्सॉर्ब करेगा, फिशन होगा ही नहीं, फिशन होगा ही नहीं। समझे आप लोग? अब मुझे बताइए, जब आप नेचुरल यूरेनियम यूज करोगे बच्चों, जब आप नेचुरल यूरेनियम यूज करोगे एज अ फ्यूल, तो आपको कितने परसेंटेज एज अ फ्यूल, आपको कितने परसेंटेज नेचुरल यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? देखिए, क्योंकि अल्टीमेट एम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो जब आप नेचुरल यूरेनियम यूज करते हो तो आपको बस 0.70% से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। एम आई राइट? 0.70% से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बाकी 99.30% जो यूरेनियम है वो एक वेस्ट जनरेट करेगा जिसका नाम है प्लूटोनियम-239, और इसके साथ और बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आपको मिलेंगे। मतलब ये रेडियो एक्टिव वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है अगर आप नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हो तो। तो नेचुरल यूरेनियम, सिंपल नेचुरल यूरेनियम यूज करने में दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और दूसरा प्रॉब्लम है इससे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है। तो देखिए, नेचुरल यूरेनियम यूज करने में ये दो प्रॉब्लम है, तो हमने एक नई क्या की, एक नया आइडिया निकाला। हमने क्या किया, ये एक सैंपल लिया नेचुरल यूरेनियम का, सैंपल ए, इसमें नेचुरल यूरेनियम है। दूसरा एक सैंपल लिया हमने, सैंपल बी, इसमें भी नेचुरल यूरेनियम है। तीसरा हमने सैंपल लिया नेचुरल यूरेनियम का, सी, ठीक है। अब इसमें देखिए, 0.70%, 0.70 ग्राम एंड 0.70 ग्राम आपको मिलेगा यूरेनियम-235। तो हमने क्या किया, इसमें से ये 0.70, 0.70, 0.70, ये नेचुरल यूरेनियम 0.70 प्लस 0.70 प्लस 0.70, ऐसा ये यूरेनियम-235 हमने निकाला। अब अगर आपको इस तरह से यूरेनियम-235 इन तीनों सैंपल से निकालना है तो आपको आइसोटोप सेपरेशन करना पड़ेगा या नहीं, बताओ? आइसोटोप सेपरेशन करना पड़ेगा या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो? आइसोटोप सेपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यही दिक्कत है यार, ये यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछने के बाद आपको आंसर देने में इतना टाइम लग जाता है कि बेस्ट हो जाता है, टाइम पास होता है, इसलिए मुझे यूट्यूब में कभी कभी बोर होता है क्लास लेने में। चलो बोलो, यस, आइसोटोप सेपरेशन करना पड़ेगा आपको। अब आइसोटोप सेपरेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट डेंजरस प्रोसेस है। डेंजरस क्यों? क्योंकि इसमें आप रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। और डिफिकल्ट क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों डिफिकल्ट है। तो कैसे भी करके हमने आइसोटोप सेपरेशन किया। अब हमें कितना मिला यूरेनियम-235? 0.70 तीन टाइम आपने कर लिया, तो 0.1 ग्राम मिला। अब क्या कीजिए, ये जो 2.1 ग्राम यूरेनियम-235 है ये, और बाकी कितना रह गया अभी आपका 100 में से, अगर आपने 2.1 ग्राम को माइनस कर दिया तो आपका रह जाता है 198 ग्राम यूरेनियम-238 लो इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से मिलकर 198 ग्राम यूरेनियम-238 लो और 2.1 ग्राम यूरेनियम-235 लो। अब आपके पास सैंपल डी है, इस सैंपल डी में 2% यूरेनियम-235 है और 98% यूरेनियम-238 है। अब मुझे बताओ, सैंपल डी से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी कि नहीं? सैंपल जी से, डी से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम, यस और नो?
नेचुरल यूरेनियम यूज करने की जगह अगर हमने सैंपल डी यूज कर लिया तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन ये अगर हमें इसे कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। तो जब आप किसी सैंपल में फिसाइल आइसोटोप दैट इज यूरेनियम 235, जब आप किसी सैंपल में फिसाइल आइसोटोप दैट इज यूरेनियम 235 का परसेंटेज इंक्रीज करते हो तो उसे कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। समझे आप यूरेनियम एनरिचमेंट की बेसिक डेफिनेशन? प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो पहले समझो व्हाट इज यूरेनियम एनरिचमेंट। तो नेचुरल यूरेनियम में 0.70% U-235 था, हमने एक नया सैंपल बनाया जिसमें 2% U-235 है, तो इस सैंपल को हम कहेंगे इट इज एनरिच्ड यूरेनियम, 2% एनरिच्ड यूरेनियम है, ये 2% एनरिच्ड यूरेनियम है। अब देखिए अगर आपने 5% एनरिचमेंट किया तो आप उस यूरेनियम को यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल। अगर आपने 8% एनरिचमेंट किया तो उस यूरेनियम को आप यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल। अगर आपने 10% एनरिचमेंट किया तो उस यूरेनियम को आप यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल। अगर आपने 15% एनरिचमेंट किया तो उस यूरेनियम को आप यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल। अगर आपने 20% यूरेनियम एनरिचमेंट किया उसे आप यूज कर सकते हो फ्यूल। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा, देखिए 20% एनरिचमेंट होती है ना, तो किसी सैंपल में U-235 20% है और U-238 सिर्फ आपका 80% है, तो इस 20% से इतनी ज्यादा हीट और इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेबिलिटीज ही नहीं है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। हमारे पास ऐसा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है कि जो 20% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम यूज करे और सारी की सारी हीट या एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे। इसीलिए दुनिया में आप कहीं पे भी जाइए, एक तो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं या 5-20% एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं, इससे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम यूज करने की किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इससे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम यूज करने की कैपेबिलिटीज किसी के पास नहीं है। अगर आपने 20% से मोर देन 20% एनरिचमेंट कर रहे हो आप यूरेनियम की, सुनो हा? अगर आप मोर देन 20% एनरिचमेंट कर रहे हो यूरेनियम की, तो इसका मतलब है आपको वो यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज ही नहीं करना है, आपको वो यूरेनियम एज अ वेपन यूज करना है। 20% से ज्यादा अगर एनरिचमेंट हो रही है उसकी यूरेनियम की, तो हम उसे कहते हैं वेपन ग्रेड यूरेनियम। तो अगर कोई कंट्री 20% से ज्यादा एनरिचमेंट ट्राई कर रही है, अचीव कर रही है, इसका मतलब है उस कंट्री को यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस कंट्री को यूरेनियम को वेपन बनाने के लिए यूज करना है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए दुनिया में किसी भी कंट्री को 20% से ज्यादा एनरिचमेंट अलाउड ही नहीं है, ये रूल ही है। जैसे ईरान जो है ना, ईरान को यही कहा जा रहा है आपको एनरिचमेंट करनी है 5% करो 7% करो। ईरान को तो 10% के ऊपर भी नहीं जाने दे रहा है अमेरिका कि 10% से भी ज्यादा एनरिचमेंट आपको अलाउड नहीं है। चलिए आपको समझ में आ गया यूरेनियम एनरिचमेंट, सभी को समझ में आ गया यूरेनियम एनरिचमेंट ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया। तो नेचुरल यूरेनियम में 0.70%, फ्यूल ग्रेड जो यूरेनियम होता है उसमें अप टू 20%, और वेपन ग्रेड जो यूरेनियम है, क्या कंफ्यूजन है श्वेता सिंह, वेपन ग्रेड यूरेनियम जो है उसमें आप 20% अप टू 90% यूरेनियम 235 आप एनरिच्ड 90% एनरिचमेंट करते हो अप टू 90%। ठीक है, ये तीन तरह के यूरेनियम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मिलेंगे, बेस्ट यूरेनियम यही है अगर आपको पीसफुल पर्पस के लिए यूरेनियम यूज करना है तो।
अगर आपको पीसफुल पर्पस के लिए यूरेनियम यूज करना है तो। अब ये मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी आपको, मैं वापस आपको स्लाइड्स पे लेकर जा रहा हूं, ये स्लाइड आपको पूरी स्टोरी बताएगी। देख लीजिए, नेचुरल यूरेनियम में 0.7% यूरेनियम 235 है, लो एनरिच्ड यूरेनियम मतलब 5% यूरेनियम 235, अगर 5% यूरेनियम 235 है किसी सैंपल में तो उसे हम लो एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। हाई एनरिच्ड यूरेनियम मतलब मोर देन 20% अगर यूरेनियम 235 है। सर तो वो तो अब तक कितने ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज यूएस हुआ है और की कंट्री ने यूज की है, मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ श्वेता आप क्या पूछ रही हो। दुनिया में जिस जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सब एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं। सिर्फ इंडिया एनरिच्ड यूरेनियम यूज नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया को कोई देता ही नहीं है और इंडिया के पास यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्निक नहीं है। पहले आप यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है ये समझो, किसके पास है, कितने कंट्रीज के पास है, वो आगे आने वाला है। पहले कंसेप्ट समझो ना, नेचुरली 0.7% लो एनरिच्ड यूरेनियम 5% आप इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। Then high enriched uranium more than 20% uranium 235 इसे भी आप as a fuel use कर सकते हो। अगर आपने enrichment up to 90% का 20% से लेकर 90% तक अगर आपने achieve की तो weapon grade uranium। तो याद रखिए more than 20% भी आप weapon के लिए use कर सकते हो, up to 90% भी आप weapon के लिए use कर सकते हो, fuel के लिए up to 20% ही enrichment करनी है, up to 20%। ठीक है, कितनी एनरिचमेंट करनी है यूरेनियम की अगर आपको एज अ फ्यूल यूज करना है 20%। तो मैंने आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी यूरेनियम एनरिचमेंट की। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं, मुझे बताइए अगर हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करनी है तो पहली स्टेप क्या होगी। अगर हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर हमें यूरेनियम एनरिचमेंट अचीव करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चों, बोलो जल्दी से। आपके आंसर के बाद ही मैं आगे जाऊंगा, ये अगर आप आंसर करते हो तो तभी पता चलेगा कि आपको समझ रहा है जो भी मैं बता रहा हूं। बस दो वर्ड्स का आंसर है गाइस, आप 68 लोग देख रहे हैं, 75 तक गए थे और लाइक सिर्फ 49 और एक बंदे ने तो डिसलाइक भी किया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, फ्री में इतने एफर्ट ले रहे टीचर, ये आप नहीं देखोगे डिसलाइक जरूर करोगे। वेरी गुड अभिभाया कृष्णा, वेरी गुड। हमें सबसे पहले पहली स्टेज होती है आइसोटोप सेपरेशन, तो चलिए हम आपको आइसोटोप सेपरेशन की क्या करते हैं अलग अलग मेथड्स बताते हैं, जो आपको आइसोटोप सेपरेशन की जो मेथड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मेथड आइसोटोप सेपरेशन की हेडिंग बस पता होनी चाहिए, उस मेथड में कैसे आइसोटोप सेपरेशन किया जाता है दैट डजंट मैटर, उतने डेप्थ में यूपीएससी जाती भी नहीं। तो देख लीजिए, यूरेनियम एनरिचमेंट, नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ नियरली 99% U238 एंड ओनली 0.7% U235। U235 इज अ फिसाइल मटेरियल दैट कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, देयरफॉर वी नीड मोर U235। वही हम अचीव करते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट से। तो व्हाट इज एनरिचमेंट प्रोसेस, एनरिचमेंट प्रोसेस इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन। आइसोटोप सेपरेशन की प्रोसेस से सेपरेशन की प्रोसेस से ये क्या करता है, एनरिचमेंट प्रोसेस परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 इंक्रीज कर देता है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 सेपरेट करना पड़ता है। आइसोटोप सेपरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू मास डिफरेंस, मुझे बताइए यूरेनियम 238 का मास क्या है 238, यूरेनियम 235 का मास क्या है 235, तो दोनों में डिफरेंट है, दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंस है, डिफरेंट है, और इसी डिफरेंस की वजह से हमें आइसोटोप सेपरेशन करना पॉसिबल होता है। फॉर न्यूक्लियर वेपन्स एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड अप टू 90% और मोर विच इज नोन एज हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड अप टू 3-4% विच इज नोन एज लो एनरिच्ड यूरेनियम और रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम। ओके, ये यूरेनियम एनरिचमेंट मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंट आइसोटोप सेपरेशन मेथड्स। पहली देखिए, ये एक सिलेंडर है,
ये एक सिलेंडर है, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये एक सिलेंडर है सपोज, ठीक है। इस सिलेंडर में ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या किया, इस सिलेंडर में पहले आप क्या करो, यूरेनियम डाइऑक्साइड, नेचर में हमें यूरेनियम डाइऑक्साइड के फॉर्म में यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम डाइऑक्साइड के फॉर्म में, मतलब UO2 इस फॉर्म में हमें नेचर में यूरेनियम मिलता है। ये जो UO2 है ना, ये सेमी सॉलिड होता है। कैसे क्या होता है, ये सेमी सॉलिड होता है, ये येलो कलर का होता है, और इसके हमें एक्चुअली जब आप यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हो ओर से तो हमें येलो केक मिलता है, और केक एकदम थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉलिड मतलब एकदम हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट सॉलिड है। जब आप इस यूरेनियम डाइऑक्साइड में फ्लोरीन ऐड करते हो, क्या ऐड किया आपने, यूरेनियम डाइऑक्साइड में फ्लोरीन ऐड किया, जैसे ही यूरेनियम डाइऑक्साइड में फ्लोरीन ऐड होता है तो इससे हमें मिलता है एक कंपाउंड जिसका नाम है UF6, ये गैस है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। हमें क्या मिला, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मिला, जो कि गैस है, जो कि गैस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, येलो केक जो था यूरेनियम डाइऑक्साइड का, उसे कन्वर्ट किया गैस में। अब आप क्या करोगे, ये जो UF6 है ना, जो गैस के फॉर्म में है, अब इसमें देखिए कुछ UF6 में 99.30% जो UF6 है, कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट दिव्या पाठक बताओ, 99.30% UF6 में क्या है, U238F6 है, और 0.70% में क्या है, U235F6 है, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में हमें यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 मिलता है कि नहीं बताओ, यस बिल्कुल मिलता है बच्चों। तो आपने क्या किया, ये यूरेनियम UF6 को क्या किया, इस सिलेंडर में से पास किया। जब ये UF6 का नाम का गैस इस सिलेंडर से पास होता है तो U235 स्मॉल है इसलिए ऊपर चला जाता है, और U238 इस साइड में रह जाता है। तो ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की वजह से यूरेनियम 235 अलग हो गया, यूरेनियम 238 अलग हो गया। इसे कहते हैं गैशियस डिफ्यूजन, ये गैशियस डिफ्यूजन मेथड है आइसोटोप सेपरेशन की। ओके, गैशियस डिफ्यूजन मेथड, ये देख लीजिए, ये है आपका UF6, इसको आपने अंडर हाई प्रेशर यहां पास किया, U238 UF6 एंड U235 UF6, ओके ठीक है, इसे आपने अंडर हाई प्रेशर पास किया। तो ये ग्रीन वाला U235, तो देख लीजिए ग्रीन वाला ऊपर चला गया, रेड वाला U238 है तो रेड वाला नीचे रह गया, और इस तरह से हमें गैस करंट एनरिच्ड विथ यूरेनियम 235 मिला। आइसोटोप सेपरेशन हुआ कि नहीं, और यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए हमें यही तो करना जरूरी है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए आइसोटोप सेपरेशन ही करना था। तो ये हो गया गैशियस डिफ्यूजन, फर्स्ट मेथड ऑफ आइसोटोप सेपरेशन, ठीक है, यूरेनियम एनरिचमेंट की, क्लियर। अरे दिव्या पाठक, यूरेनियम एनरिचमेंट मैंने एक्सप्लेन किया था, सिंपल से मेथड है। यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब क्या है, नेचुरली यूरेनियम में 0.7% यूरेनियम होता है, और जब आप उसमें एडिशन करते हो, मतलब यूरेनियम 235 का परसेंटेज जब आप बढ़ा देते हो तो उसे यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, गैशियस डिफ्यूजन समझ में आया सभी को। गाइस ये मेथड हम यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत रिस्की मेथड है, ये मेथड क्या है, बहुत रिस्की है, ठीक है। सो पंप UF6 थ्रू पाइपलाइंस, फोर्स द गैस थ्रू अ पोरस फिल्टर और मेम्ब्रेन। नहीं, लक्ष्मी प्रिया सिर्फ नाम पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन आइसोटोप सेपरेशन ऑफ यूरेनियम, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नीचे में से कौन सी मेथड आइसोटोप सेपरेशन के लिए यूज होती है, इतना पूछते हैं। आपको बस मेथड्स के नाम पता होने चाहिए। पहली मेथड है गैशियस डिफ्यूजन। मैं ठीक हूं आरके शर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसर्न। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज, अच्छा लगा आप हमारे क्लास में आए, ठीक है। UF6 को पाइपलाइन के थ्रू पंप करो, पोरस फिल्टर और मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन प्रोसेस से
इनफ 235 हमें मिलेगा, बाद में UF6 को कंडेंस करो, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसे स्टोर करो कंटेनर में, फिर उसको कूल करो और उसमें उसको सॉलिड करके उसे फ्यूल पिलेट में कन्वर्ट करो, हमें मिल गया यूरेनियम 235 एनरिच्ड। दूसरी मेथड होती है सेंट्रीफ्यूज में प्रोसेस। अब ये मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज यूज्ड फॉर आइसोटोप सेपरेशन, मोस्ट कॉमन मेथड है, जो इवन ईरान के केस में आपने आप कभी भी ना ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट गूगल पे सर्च करो, मैं ही आपको ये करके देता हूं ना, आपको लाइव दिखा देता हूं, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट देख लीजिए ये पढ़ो, ईरान टेस्टिंग एडवांस्ड न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज दैट वुड अलाउ फास्टर यूरेनियम एनरिचमेंट। एक दिन पहले की न्यूज है, देख लो, एक दिन पहले की न्यूज है। अब ये ईरान को सेंट्रीफ्यूज क्यों चाहिए भाई साहब? क्योंकि सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड फॉर आइसोटोप सेपरेशन, एंड आइसोटोप सेपरेशन के बिना यूरेनियम एनरिचमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेंट्रीफ्यूज हमेशा आपको न्यूज में दिखेगा, ईरान वाले न्यूज में हमेशा आपको सेंट्रीफ्यूज दिखेगा। तो सेकेंड मेथड मैंने आपको बताई, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सेफ मेथड जो है ना आइसोटोप सेपरेशन की, वो है गैशियस सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें क्या किया जाता है। पहले गैशियस यूरेनियम गोज इनटू अ सेंट्रीफ्यूज, ये सेंट्रीफ्यूज है, इसमें क्या किया जाता है, गैशियस यूरेनियम UF6 ऐड किया जाता है। सर हमने कौन सा मेथड यूज किया था? स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति में। अभी भाया कृष्णा हमने हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे ना, स्माइलिंग बुद्धा और जो आपका ऑपरेशन शक्ति, दोनों यूरेनियम वाले नहीं थे, हमने यूरेनियम एनरिचमेंट किया ही नहीं, आज तक नहीं किया है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और हमें करना भी नहीं है। हमारे जो बॉम्ब थे ना, वो प्लूटोनियम बॉम्ब थे, वो भी स्टोरी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा। गाइज मुझे लगता है ये वाला पार्ट मैं कल आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि टाइम हो गया है। अभी भाया ने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंडिया को पहली स्टेज, मुझे बताइए इंडिया की कितनी स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितने स्टेजेस का है? ये जो नेक्स्ट मेथड है वो हम कल बताएंगे आपको 2 बजे। बताओ इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितने स्टेजेस का है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। ये क्वेश्चन के बाद आपको नेक्स्ट आंसर करना है कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम की कितनी स्टेजेस हमने कंप्लीट की है, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कितनी स्टेजेस हमने कंप्लीट की है। 3 स्टेजेस का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें से कितनी स्टेजेस हमने कंप्लीट की, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्लास मत छोड़िए अभी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। यस, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेजेस का है, और इन 3 स्टेजेस में से कितनी स्टेजेस कंप्लीट हुई है हमारी? एक ही स्टेज कंप्लीट हुई है। तो इस एक स्टेज में हमें एज अ वेस्ट क्या मिला है, इस फर्स्ट स्टेज से हमें एज अ वेस्ट क्या मिला है बताओ? इस फर्स्ट स्टेज से एज अ वेस्ट हमें क्या मिला है? एज अ वेस्ट हमें मिला है प्लूटोनियम। याद रखिए हमारी जो पहली न्यूक्लियर टेस्ट थी 1974 में, उसमें हमने जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था वो प्लूटोनियम बॉम्ब था, और हमें वहां पे एनरिचमेंट की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें प्योर प्लूटोनियम मिला था पहली स्टेज से। जो हमने 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की, उसमें भी हमने प्लूटोनियम बॉम्ब ही यूज किया क्योंकि हमें एनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं थी, हमें आइसोटोप सेपरेशन की जरूरत नहीं थी, हमने प्लूटोनियम बॉम्ब एक्सप्लोर किए, हमने यूरेनियम बॉम्ब एक्सप्लोर नहीं किए। इंडिया इंपोर्टेड यूरेनियम फ्रॉम कैनाडा एंड सीक्रेटली यूज्ड फॉर स्माइलिंग बुद्धा, इज इट राइट? नो अर्चना, दैट वॉज प्लूटोनियम, हमने प्लूटोनियम यूज किया था, हमने कहीं से दे ही नहीं रहे थे कोई, सीक्रेटली भी, चुपकर भी, चोरी से भी कोई नहीं दे रहा था। सारे न्यूक्लियर वेपन जो भी हमारे पास है ना इंडिया के पास, सब प्लूटोनियम बॉम्ब्स है। ठीक है, मजा आया कि नहीं? अब देखो इंडिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, इंडिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप किए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, बॉम्ब बना रहा है, लेकिन कहीं भी इंडिया किसी से हेल्प ले रहा है? कहीं भी इंडिया किसी से हेल्प ले रहा है? बिल्कुल नहीं। इंडिया खुद के बलबूते पे सेल्फ सफिशिएंटली सब कुछ कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर
साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट के लिए आपको बहुत प्राउड फीलिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? अनंत कुमार, ईरान को न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, वो भी हम आपको स्टोरी बताएंगे कि क्यों हर कंट्री को न्यूक्लियर रिएक्टर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। पहले बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ लो, जो कल और भी बताई जाएगी आपको। सर जितना कराया है उसका क्विज करवा लीजिए ऐप पर, ठीक है? शालिनी बिश्नोई कर लेंगे, कर लेंगे। देखिए आपको क्लास छोड़ने से पहले अनएकेडमी पे कहीं पे भी अगर आपको कोड पूछा जाए तो आपको SKUS कोड याद रखना है, जो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देगा आपको अनएकेडमी पे। पूरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंप्लीट करते हैं और उस पे फिर क्विज करेंगे, ठीक है? देन ये मेरा अनएकेडमी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी जो मैंने पढ़ा है इसकी नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। उसके लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल है, आपको मुझे अनएकेडमी पे फॉलो करना पड़ेगा। अनएकेडमी पे आपको हेड्स डेडिकेट करनी पड़ेगी मुझे, और मैं अनएकेडमी पे रोज मॉर्निंग में 8 AM को एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। आपको मस्ट है कि ये मॉक टेस्ट आप लाइव अटेंड करो। उसी तरह मैं 4 PM को भी एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, लेकिन 4 PM को आपकी आगाज की क्लास होती है, तो आप आगाज का क्लास करो, ये 4 PM का मॉक टेस्ट आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ओके सर, यूपीएससी का क्वेश्चन जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टॉपिक से आया है उसे भी क्लास में एक क्वेश्चन कम से कम एड कर दीजिए, ठीक है? अंकित कुमार कल कर देंगे, प्रीवियस ईयर PYQ में से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हम कर देंगे, ठीक है? खुशी पवार कल नहीं, मैं कल आफ्टरनून तक यूट्यूब के सेशंस प्लान कर लूंगा और आपको इस वीक में तो पार्टिकल फिजिक्स करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उस हेडिंग, उस टॉपिक का नाम होगा एवरीथिंग अबाउट बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है? श्वेता सिंह आप क्या कह रही हो? श्वेता सिंह सर प्लीज रिप्लाई, सर क्या कहा है आपने? श्वेता सिंह सर तो यूरेनियम एनरिचमेंट की तरह ही प्लूटोनियम वर्क कर रहा है। हाँ बिल्कुल श्वेता सिंह, क्योंकि प्लूटोनियम में हमें पूरा फिसाइल आइसोटोप मिल रहा है ना, हमें यूरेनियम की एनरिचमेंट क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% फिसाइल आइसोटोप है, लेकिन पहली स्टेज से हमें जो प्लूटोनियम मिला है तो वो पूरा का पूरा प्योर प्लूटोनियम है, और प्लूटोनियम 239 फिसाइल आइसोटोप है, तो एनरिचमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। एनरिचमेंट कहां करनी पड़ती है? जब आपके पास एक सैंपल है लेकिन उसमें जो फिसाइल आइसोटोप है उसका परसेंटेज बहुत कम है, और जो आपको फर्स्ट स्टेज से जो बेस्ट मिला है ना प्लूटोनियम 239, वो तो पूरा प्योर फिसाइल आइसोटोप है, पूरा का पूरा फिसाइल आइसोटोप है, तो वहां एनरिचमेंट की क्या जरूरत है? वो पूरा 100% फिसाइल आइसोटोप ही है। नेचुरल यूरेनियम में फिसाइल आइसोटोप सिर्फ 0.7% है, इसलिए हमें नेचुरल यूरेनियम की एनरिचमेंट करनी पड़ती है। याद रखिए एनरिचमेंट सिर्फ नेचुरल यूरेनियम की जाती है, बाकी किसी की नहीं, क्योंकि उसमें फिसाइल आइसोटोप बहुत कम है। श्वेता सिंह क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अगर नहीं आया तो आप कल भी मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, वी आर मीटिंग अगेन ऑन आगाज टुमारो एट 2 PM। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज क्लासेस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बाय बाय गाइस।